जी इलाई सिटी से अक्षय आनंद बोल रहे हैं। खेसारी लाल यादव ने आप पर आरोप लगाया है कि वैशाली में उनके कार्यक्रम में आपने उपद्रव करवाया। आपकी क्या इस पर जवाब है? देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि बहुत दुखद घटना है कि किसी कलाकार के साथ ऐसा हो रहा है, ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वैशाली और मसरक, मैं मसरक में था, वैशाली और मसरक की दूरी 200 किलोमीटर, ठीक, और वो सीधा आरोप लगा रहे हैं, तो मुझे नहीं लग रहा है कि खेसारी लाल यादव आरोप मुझ पर लगा रहा है। मुझे कहीं ना कहीं इसमें राजनीतिक साजिश है, क्योंकि आदरणीय तेजस्वी जी ने मेरे छोटे भाई रणधीर सिंह का टिकट फाइनल कर दिया है, जिससे बौखला कर खेसारी लाल यादव ऐसा आरोप लगा रहे हैं। मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि बड़े राजनेता इसके पीछे लगे हुए हैं, जो मुझे और मेरे परिवार को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। किसी फेसबुक पोस्ट का खेसारी लाल यादव ने जिक्र किया है कि आप उनसे फेसबुक दुश्मनी करना चाह रहे हैं। फेसबुक पोस्ट पे मैंने हमेशा अश्लीलता का विरोध किया है, हाँ, और आपको भी मालूम होना चाहिए कि अश्लीलता को देखकर बिहार की जनता जागृत हो चुकी है। हाँ, बिहार की जनता नहीं चाहती है कि कोई अब अश्लील गाना गाए, हाँ खेसारी तो लाल मैं यादव कह हमेशा रहे हैं कि अगर अश्लीलता से भिड़ंत है तो वो भी आपके साथ चलेंगे, मगर आप उनके कार्यक्रम में इस तरह से ना करवाएं। नहीं, तो मैं कहीं से भी उनके कार्यक्रम में मेरा लेना देना नहीं है। आप मीडिया पेपर पढ़ लीजिए, वैशाली का प्रशासन जो पहला आरोप कर रही है कि टिकट को लेकर वहां पे झगड़ा हाँ, हुआ है, बल्कि मुझे तो लगता है कि जातीय हिंसा भी भड़का रहे हैं। वो बार बार कहते हैं कि हम जादव का लड़का है, जादव का लड़का है, हमेशा ही अपने मंच पे ही कहते हैं। कभी कहते हैं 50 MP का पावर लेके चलते हैं हम, तो मुझे तो लगता है कि देखिए, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि उनको कोई सिखा रहा है जो महाराजगंज चुनाव में इंटरेस्ट रखता है। तो आखिरकार सुधीर सिंह का ही नाम क्यों लिया जा रहा है? अब तो ये तो खेसारी लाल यादव जी बताएंगे कि मेरा मेरा नाम इसलिए लिया जा रहा है कि बस आप कुछ दिन पहले हमने अश्लीलता का विरोध किया था, हाँ, हमने अश्लीलता का विरोध किया था, तो हो सके कि उनको लगता हो कि गाना गाने पर अब दिक्कत हो रहा है, हो सके कि उनके बिजनेस पे, हो सके कि उनको फर्क पड़ता हो, इसलिए मेरा नाम ले रहे हो। उनके व्यवसाय दृष्टिकोण से वो फर्क पड़ता होगा, अश्लील गाना गाकर वो पैसा कमा रहे थे, तो हाँ, उनको लगता हो कि हाँ, कि उनके अश्लीलता विरोध करने से बिहार की जनता जागृत हो चुकी है, तो फर्क पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि इसीलिए हम पर आरोप बनकर बढ़ रहे हैं। तो कुछ दिन पहले 2 करोड़ रुपया का यानी हम पर देखे कि मुकदमा दर्ज किए थे। हाँ, अच्छा, तो आप बताइए कि 2 करोड़ रुपया का मुकदमा जो दर्ज, कहाँ तक सत्य थी वो, तो प्रशासन हमको उसमें से निष्पक्ष निकाल चुका, कहीं वो भी गलत बात था। तो बात मतलब कि यहाँ पे महाराजगंज सीट को ही लेकर कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, आपका जी कहना हाँ, है तेजस्वी कि जी इसके बाद में राजनीति, घोषणा करने के बाद वो बौखला गए हैं। तेजस्वी अच्छा, और राजनीतिक मजबूत करने के लिए राजनीति को वो सुधीर सिंह पर इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। बड़े राजनेता भी उनके पीछे, ये खेसारी लाल यादव जी मेरा नाम नहीं ले रहे हैं, उनके अच्छा, पीछे कोई कोई बहुत बड़ा राजनेता है जो महाराजगंज चुनाव से इंटरेस्ट रखता है। अश्लीलता के खिलाफ जो आप लड़ाई चला रहे हैं उसमें पवन सिंह निरहुआ, ये लोग के भी खिलाफ आप आवाज बुलंद कर रहे निश्चित होंगे। निश्चित निश्चित, जो भी बिहार में, बिहार में, बिहार की धरती अश्लील विहीन चाहिए, चाहे हाँ, जो भी हो, पवन सिंह हो, निरहुआ हो, गुंजन सिंह हो, जो भी हो, ऐसा अश्लील गाना गाते हैं यह बिल्कुल गलत है। बिहार की धरती अश्लील विहीन चाहिए, बिहार की जनता जो भी अश्लील गाना गाएगा, बिहार की जनता उसको जवाब दे रही है, उनका गाना नहीं सुन रही है। देख ही रहे हैं आप कि जगह जगह कहीं भी हो, छोटे छोटे ब्यास भी जो गाना गा रहे हैं गांव देहात में, वहां पर भी लोग गाना सुनना इनकार कर रहे हैं। तो मतलब आपका साफ साफ यही कहना है कि जिन लोगों ने उपद्रव किया उसके कारण कुछ और थे, वो कहीं भी सुधीर सिंह से जुड़े हुए नहीं है, और खेसारी लाल निश्चित निश्चित जबरदस्ती से भगवान, आपका नाम देखिए लिया। देखिए, सत्य सत्य जो होता है ना, हाँ, वो पराजित नहीं हो सकता है। ठीक है, मुझे पूरा भरोसा है कि 2-4-5 दिन के अंदर समाज के सामने सत्य बातें आ जाएंगी, लगभग सत्य बातें आ चुका है। ठीक है, यानी 70% वैशाली के लोग लाइव आकर, आप देख रहे हैं कि कह रहे हैं कि टिकट लेकर विवाद हुआ है, तो कोई कह रहा है कि मंच टूट जाने से विवाद हुआ है, तो वहां का प्रशासन का जो थाना प्रभारी है वह कह रहे हैं कि 300 रुपए का टिकट 600 रुपए में बेचा जा रहा है। खेसारी मेरे घर का लड़का है, खेसारी मेरे घर का लड़का है, मेरे घर का लड़का, अगर मेरे घर के लड़का के साथ ऐसा कुछ हुआ है तो निश्चित है कि मुझे दुख है, लेकिन मैं अश्लीलता का विरोध कर रहा हूँ, मैं खेसारी का विरोध नहीं करता हूँ।
और आपने आमंत्रित भी किया है कि अगर कोई मनमुटाव हो तो वह आपके साथ बैठे और डिस्कस निश्चित कर। निश्चित निश्चित अगर उसके मन में अगर थोड़ा सा भी अगर लग रहा है कि उसके मन में मेरे लिए पाप अगर है, तो निश्चित अगर मैं उसको आमंत्रण देता हूँ कि खेसारी मेरे घर पे आए, और घर पर बैठकर छोटा भाई है, साथ में बैठकर एक दूसरे से गिला शिकवा दूर कर लेते हैं। मुझे कोई मुझे ना हीरो बनना नहीं है, ऐसा नहीं है कि मेरा प्रोफेशन मुझे फिल्म इंडस्ट्री ज्वाइन करना है, मेरा प्रोफेशन दूसरा है, पॉलिटिक्स है, उनका प्रोफेशन दूसरा है, तो मुझे उसमें कोई ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है सुधीर, मैं इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन मुझे लग रहा है कि खेसारी लाल यादव अब मुझमें इंटरेस्ट लेने लगे हैं। हाँ, और जिस तरह से एक के बाद एक उनके बयानों में आपका नाम सामने आया है, इससे भी ये चीज दिख रही है। हम उम्मीद पत्रकार आप ही बताइए हाँ, कि आपके पास जो न्यूज आ रहा है कि क्या आपको नहीं लग रहा है कि वहाँ टिकट को लेकर झगड़ा हुआ है? 50,000 लोगों के बीच में अगर 10-15-20 लोग हटा करके चला जाए तो 40,000 जनता मुंह निहार रही थी। 40,000 लोग तो वहाँ थे ना, उसके खेसारी के समर्थक, खेसारी के फैन वहाँ पर थे ना। बिल्कुल बिल्कुल, तो उन लोगों ने विरोध क्यों नहीं किया? हाँ ये भी तो बात चला, तो उन लोगों को विरोध करना चाहिए ना। कह रहे हैं कि 10-15 लोग आए थे, तो 10-15 आदमी 50,000 पर भारी पड़ जाएगा। तो कहीं ना कहीं सबसे बड़ी गंभीर बात क्या है कि देखिए खेसारी जी जब भी यानी खेसारी अगर कहीं भी पोस्ट करते हैं तो उनके जो समर्थक है, उनके फैन है, कितना अच्छा अच्छा गंदा गंदा गाली देते हैं, उनकी असली बात खुद है, सब फेक आईडी बना बना कर गंदा गंदा गाली, ये असली नहीं है। इसके लिए खेसारी अपने समर्थकों को मना नहीं करते हैं। बिल्कुल, पूरा पोस्ट देखिए कितना गंदा गया, यूट्यूब देखिए भरा हुआ है गंदा गंदा गाली से। सोशल मीडिया में बड़े बुजुर्ग अगर खोले तो कितना बुरा प्रभाव पड़ेगा। हाँ, जिनके औकात नहीं है वो भी गाली दे रहे हैं। ठीक है सुधीर जी, आपने अपना पक्ष रखा। हाँ बताइए क्या कहें। नहीं और हम क्या कहें, और मैंने अक्षय जी आप जो भी आपको हम बताएं इतना ही बताएं कि वो बार बार जो कह रहे हैं कि यानी हत्या का आरोप, तो मुझे लगता है कि कभी ना कहीं मैं ही खेसारी पर कहीं जाकर मुकदमा दर्ज न करूं। ये बार बार प्रशासन मुझे निष्पक्ष निकाल दे रही है। हाँ, मुझे कहीं ना कहीं खेसारी पर मुकदमा दर्ज करना, पर मानहानि का मुकदमा दर्ज कर रहे हैं हम। अच्छा, मान लीजिए कि आरोप लगा रहे हैं। हाँ, आरोप निराधार हो तो मुझे मुकदमा दर्ज करना ही ना पड़ेगा उन पर। हाँ, तो अभी तक तो मैं बर्दाश्त कर रहा हूँ, लेकिन ये गाली गलौज वाला जो टॉपिक हो रहा है, उनके समर्थक जो गाली गलौज कर रहे हैं, देखिए उनका मकसद सिर्फ यही है कि महाराजगंज चुनाव में बार बार जो कह रहे हैं कि हम जादव के बेटा हैं, हम जादव का बेटा हैं, उनका मकसद सिर्फ यही है कि रो के हम आंसू दिखाकर जादव के वोट को इधर उधर करा दे। अच्छा, और चुनाव तो उन्हें लड़ना नहीं है। हाँ, चुनाव तो खुद बोल रहे हैं कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो निश्चित है कि वो दूसरे के लिए काम कर रहे हैं, दूसरा को उनको बहुत मोटा पैसा दे चुका है। अच्छा, पैसे के बल पर वो दूसरे के बारे में मेरे परिवार और हमको यानी मेरे परिवार और हम पर इल्जाम लगा रहे हैं। तो हमको तो कहीं ना कहीं साजिश की बुआ है। बाकी मैं आपको फिर कहता हूँ कि भगवान ऊपर है, सत्यता सामने आएगी। अगर मैं गलत हूँगा तो आप लोग भी हैं, आप लोगों को जरूर पता होगा, आप लोगों को जरूर पता चलेगा। आप ही सिद्धार्थ जी बताइए कि आपको क्या लगता है कि मैं वहां पर जाकर ऐसा करूंगा? नहीं, लेकिन वही है आपको कि क्या लगता है? हाँ, उनके एक आदमी के कहने से आप मान जाइएगा, हम कह रहे हैं कि हम ऐसा नहीं किया तो आप नहीं मानिएगा। नहीं, इसीलिए हमने आपसे बात की और अब आपकी बात को और लोगों ने एक खेसारी लाल यादव कह दिए कि सुधीर जी हत्या का साजिश कर दिए हैं, तो कुछ लोग मान गया, लेकिन सुधीर सिंह कह रहा है कि नहीं हम ऐसा नहीं किया, तो मेरी भी बात तो सुननी चाहिए लोगों को। बिल्कुल, बहुत लोग आपकी बात सुनेंगे इस माध्यम से, लाइव सिटीज के भी माध्यम से, और हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि दोनों पक्ष की बात जनता तक पहुंचे, उसके बाद जरूरी जनता सोचे और फैसला करे। बहुत धन्यवाद सुधीर जी, आप हमसे जुड़े, आपने अपनी बात रखी, आपका शुक्रिया।